बॉयफ्रेंड संग सुष्मिता सेन ने मनाया वैलेंटाइन डे। रोमांटिक तस्वीर साझा कर ऐसे जताया प्यार। आज दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। प्रेमी जोड़े इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इनके अलावा फिल्मी सितारे भी वैलेंटाइन डे को बेहद खास अंदाज में मनाते हैं। वैलेंटाइन डे को बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सुष्मिता सेन ने अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ बेहद खास अंदाज में मनाया है। उन्होंने रोहमन शॉल के साथ सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा की हैं, जो काफी वायरल हो रही हैं। सुष्मिता सेन ने वैलेंटाइन डे पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर कई तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्होंने रोहमन शॉल सहित दोनों बेटियों के साथ देर रात केक काटकर वैलेंटाइन डे मनाया। तस्वीरों में सुष्मिता सेन रोहमन के साथ रोमांटिक अंदाज में भी नजर आईं। तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि इस दौरान सुष्मिता सेन ने अपने घर को खूबसूरत लाइटों से भी सजा कर रखा हुआ था। इन तस्वीरों को साझा करते हुए सुष्मिता सेन ने कैप्शन के जरिए अपने फैंस बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल और दोनों बेटियों को वैलेंटाइन डे की बधाई दी। सोशल मीडिया पर रोहमन शॉल और सुष्मिता सेन की तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं। सुष्मिता सेन काफी समय से बड़े पर्दे से दूर हैं। वह सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती हैं। सुष्मिता सेन अक्सर अपने बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ तस्वीरें भी साझा करती रहती हैं। बात करें सुष्मिता सेन की वर्क फ्रंट की, तो वे जल्द डिजिटल की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। वह अमेजन प्राइम वीडियो के शो आर्या में देखेंगी। इस शो की कहानी राजस्थान के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। शो में वे मुख्य भूमिका में है, जिसका नाम आर्या होता है। बता दें कि कुछ महीनों पहले एक बातचीत के दौरान सुष्मिता ने डिजिटल शो पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि उन्हें डिजिटल वर्ल्ड काफी पसंद है। उन्हें यह देखकर खुशी है कि आखिरकार कंटेंट को प्राथमिकता मिलनी शुरू हो गई है। जब भी उन्हें कोई सही स्क्रिप्ट ऑफर होगी, वह डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहेंगी। बता दें सुष्मिता की आखिरी हिंदी फिल्म नो प्रॉब्लम थी, जो साल 2010 में रिलीज हुई थी। अपने इस प्रोजेक्ट के चलते सुष्मिता बीते दिनों राजस्थान में समय बिता रही थीं।